इतना सुपर टेस्टी और इतना हेल्दी और इतना मज़ेदार मैं बनाऊंगी आज सूजी का हलवा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। और आप देखते हैं जैसे भंडारों में मिलता है ना, इतना मज़ेदार एकदम रसीला सा ऐसा सूजी का हलवा जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ये शाम तक आप रखेंगे तो ये शाम तक नरम एक सॉफ्ट सा बना रहेगा, खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगेगा। और जैसे हलवाई बनाते हैं भंडारे वगैरह में, उस तरीके का हमें हलवा बना करके तैयार करना है फ्रेंड्स। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप बारीक वाली सूजी ली है हमने यहाँ पर, और सूजी आपको फ्रेंड्स बारीक वाली ही लेनी है जिससे हलवा बहुत अच्छा बनेगा। और सूजी आपकी मोटी है तो एक बार इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लें। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच किशमिश और 2 चम्मच बादाम। इस तरीके से हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। और इसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच हमें बेसन लेना है। बेसन से हलवे के अंदर अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है। इसके बाद हमने यहाँ से 10 या 12 रेसे लेने हैं, उन्हें गर्म पानी में गर्म करके रख लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर 4 कप पानी लिया है, पानी हमें 4 कप लेना है। और इसके बाद यहाँ पर 2/3 हमें यहाँ पर लेना है घी, आप देख सकते हो इस तरीके से हमें घी भी लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 कप हमने सूजी ली है तो यहाँ पर हमें 1.5 कप चीनी लेनी है मीठे के लिए, और चीनी हमें इस तरीके से लेनी है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद हमें करना है कढ़ाई को गरम, और कढ़ाई को गरम करने के बाद इसमें हमें डालना है 4 चम्मच के करीब इसमें घी डाल देना है। और घी को डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को कर लेना है स्लो, और इसके बाद हमें घी को अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो 1 कप सूजी ली थी फ्रेंड्स, उसे हल्का सा घी को चलाना है। इसके बाद हमें 1 कप सूजी को घी के अंदर हम डाल लेते हैं, और घी के अंदर डालते ही हमें सूजी को अच्छे से हमें इस पलटे की मदद से चलाते रहना है, और इसे अच्छे से हमें भूंजते रहना है फ्रेंड्स। हमें इसका एकदम गोल्डन ब्राउन कलर लेके आना है। और हलवाई लोग भी फ्रेंड्स इस तरीके से ही इसे भूनते हैं, एकदम मीडियम आंच पर, और हल्का गोल्डन सा कलर आना चाहिए जिससे हलवा की बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी बनती है, और रंग में देखने में भी काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। यहाँ पर हमने सूजी को फ्रेंड्स मीडियम आंच पर ही भूनना है, और आप देख सकते हो हमारी सूजी का कलर हल्का सा लाल सा हो चुका है, देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से भून के तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप पानी डाल दिया है। 1 कप पानी डालने के बाद हमें अच्छे से फिर से चलाना है, और फिर से हमें 1 कप पानी लेना है, 1 कप पानी फिर से डाल देना है। हमें पानी एक साथ नहीं, जिससे हलवे में गांठ नहीं रहेंगी, इस तरीके से ही हमें पानी हल्का हल्का करके डालना है। जब भी हमारे हलवे की कंसिस्टेंसी गाढ़ी सी होती है तभी हमें इसमें 3.5 कप पानी डाल देना है। हमें 3.5 कप पानी में 1 कप सूजी का हलवा बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। इस तरीके से हलवाई लोग भी ऐसे ही करते हैं, एक साथ पानी नहीं डालते हैं। इसके बाद हमें इसे 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है, जिसके बाद हमारी सूजी पक करके थोड़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। और फ्रेंड्स हलवाई लोग भी इस तरीके से ही हलवा बनाते हैं, जो नवरात्रियों में हलवा बनाया जाता है। और आप देख सकते हो हम एक साथ पानी डालते हैं जिससे ये हमारे हलवे में बबल आ रहे हैं, वो पानी छींट के फेंकते हैं तो हाथ जलने का भी चांस रहता है। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टेंशन रहेगी। इसके बाद हमने जो केसर वाला पानी था उसे भी डाल लिया है। उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी और डालना है क्योंकि हमारी सूजी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसके बाद हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से चलाना है, और इसके बाद हमें फ्रेंड्स यहाँ पर इसको कर देना है स्लो आँच पर। और इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है 4 चम्मच फिर से घी लेना है हमें, और यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उन्हें डाल के अच्छे से घी में करना है हमें फ्राई, जिससे इनका हल्का सा कलर ब्राउन सा हो जाए और ये पके से लगे। और इसके बाद हमें इन्हें हल्का ब्राउन करने के बाद फ्रेंड्स निकाल लेना है, और इस तरीके से इनका टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसके बाद हमने जो बेसन लिया था 2 चम्मच उन्हें भी डाल लेना है घी में, और घी में डालने के बाद अच्छे से हमें इसको भूंज लेना है, और घी को तो इस तरीके से हमें बेसन को थोड़ा ज़्यादा भूंजना है फ्रेंड्स, इससे हमारा हलवे में जो दानेदार टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा बन करके आएगा। आप देख सकते हो हमने भूंज करके उसी सूजी में इस बेसन को कर लेते हैं मिक्स, और बेसन को अच्छे से हमें करना है मिक्स।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मीडियम आंच पर हमने पहले से हलवे को चलाते रहा था, तब तक हमने ये बेसन और ड्राई फ्रूट्स बना करके तैयार कर लिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिया चीनी। चीनी को डालते ही आप देखेंगे हलवे की एकदम से कंसिस्टेंसी एकदम पतली हो जाएगी, क्योंकि हमारी चीनी है जो इसमें मेल्ट हो गई है अच्छे से, और इसमें चाशनी का जो फ्लेवर सब कुछ होता है वो निकल के आ चुका है। आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी का हलवा बन चुका है। और इस तरीके से हमें 2 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे पकाना है। और इसको पकाने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए थे उन्हें भी डाल लेना है। उन्हें डाल के फिर से हमें अच्छे से पकाना है। आप अब देख सकते हो हमारा हलवा थोड़ा पक कर के तैयार हो चुका है। और इस तरीके से ही आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार हलवा बन के तैयार होगा। और इसके बाद जो हमारा बचा हुआ घी है वो सब कुछ हमें इसके अंदर डाल देना है। और ये हमारा इस तरीके से घी पीछे डालते हैं तो इसका जो टेक्सचर होता है वो खाने में इतना चिकना सापन आता है, वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप देख सकते हो इसके बाद हमारा एकदम खिला खिला जो हलवाई बनाता है ना, दोनों में डालते ही अलग हो जाता है हलवा। इस तरीके का हमारा हलवा बन के तैयार हो जाता है। अब हम आपको सब करके दिखाते हैं। हमारे हलवे का टेक्स्चर भी देख सकते हो इतना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। इसे आप नवरात्रों में और या किसी भी चीज़ के लिए या गर्मियों में खाने का मन हो आप इसे मज़े से बना करके खा सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होता है और इसे आसान तरीके से बना भी लेते हैं। आप अपने बच्चों को इस तरीके से बना करके देंगे तो आपके बच्चे इसे चाव और मज़े से खाएंगे। ये बहुत ही अमेजिंग लगता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी ऐसी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो थैंक यू आज।